गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस लेक्चर में। और उम्मीद करता हूँ कि कोरोना के इस खिलाफ जो हमारी जंग है वो काफ़ी अच्छी चल रही है सरकार की तरफ से, और आप सभी भी स्वस्थ होंगे। तो आज का प्रॉब्लम सर्वेइंग सब्जेक्ट से है। ये प्रॉब्लम मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है कि सर, ये प्रॉब्लम मुझे ट्रैवर्सिंग का समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसी प्रॉब्लम को ले रहे हैं। मैं इस प्रॉब्लम को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जनरल जो हमारा ट्रैवर्सिंग के प्रॉब्लम होते हैं कि आपको फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, उसका तो काफ़ी वो अलग तरह से दिए होते हैं। ये थोड़ा हटके है, ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है। कौन से स्टेट का, मैं थोड़ा सा मेरे ध्यान से निकल गया है, गुजरात या राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में से कोई एक स्टेट में आया था ये। और इसमें बस आपने एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो काफ़ी इजी है। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये, 2-3 वीडियो के पोर्च में बट के आएगा आपके पास। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, इन ए रनिंग क्लोज ट्रावर्स ABCDE द फॉलोइंग बियरिंग्स फॉर ऑब्जर्व विथ प्रिज्मेटिक कंपास। आपको रीडिंग दे रखी हैं, स्टेशंस दे रखे हैं ABCDE, और हर स्टेशन से फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या ली गई है वो दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, एट विच स्टेशंस डू यू सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन, कैलकुलेट द करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल, ऑल्सो कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 2°30' ईस्ट। तो बेसिकली इस एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है कि आपको लोकल अट्रैक्शन के बारे में पूछा गया है, फिर आपको बियरिंग एडजस्ट करनी है लोकल अट्रैक्शन के इफेक्ट को हटा के, और लास्ट में आपको एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के। तो आज हम लोकल अट्रैक्शन और रीडिंग कैसे एडजस्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक जनरल स्टूडेंट को अगर पूछा जाए क्वेश्चन, या जनरल किसी के सामने रख दिया जाए, तो हमारे एक माइंडसेट है कि क्या करना है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में। अभी आपके दिमाग में क्या थॉट चल रही है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच, तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है, और फिर क्या करना है, जहाँ पे 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाए वो वहां से हमें न्यूमेरिकल की शुरुआत करनी है। सभी फैकल्टी यही पढ़ाते हैं, यही सही भी है। और हम क्या करते हैं, इन सब के बीच का स्टूडेंट एग्जाम में क्या करने लग जाते हैं, ये बहुत जनों के साथ हुआ भी, पार्टिसिपेंट्स के साथ में, कि 180 का डिफरेंस निकालने लग गए और कहीं पर भी 180 का डिफरेंस नहीं आया। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन में अलग क्या है जिसके लिए इसको हम यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर के रूप में ले रहे हैं, वो ये है कि जनरल जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वहाँ पे, यहाँ पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ऑफ लाइन दिया हुआ होता है, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ पर्टिकुलर लाइन दिया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें हर स्टेशन से फोर बियरिंग क्या ली गई और बैक बियरिंग क्या ली गई ये दिया हुआ होता है। और लोकल अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे होता है। लेकिन जो अभी तक न्यूमेरिकल है, अभी तक आपने जो सॉल्व किया उसमें क्या है, लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दी हुई होती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क इस क्वेश्चन में, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे पहला टास्क यही था कि कम से कम टाइम में ये चीज़ समझ लेना कि ये रीडिंग जो दे रखी है वो स्टेशन के बारे में दे रखी है, और उससे आपको लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग निकालनी है। लोकल अट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है उसमें मैं अभी आता हूँ। तो लोकल अट्रैक्शन अट्रैक्शन के कंसेप्ट में 180 का डिफरेंस, लोकल अट्रैक्शन होता स्टेशन पे है, लेकिन 180 का डिफरेंस जो हमारा कंसेप्ट है कि इफ फोर बियरिंग, डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज 180°00', देन देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड, इस तरह का। तो वो डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन है, ना कि फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टेशन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इन स्टेशन की रीडिंग से लाइन की रीडिंग निकालनी पड़ेगी, फिर आगे क्वेश्चन हमारा ऐसे जैसे हम करते हैं वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको, कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया है, ये सॉरी जनरल स्केच लिया है। तो अगर आप जो कोई स्टेशन से, कोई भी एक स्टेशन से अगर फोर बेयरिंग लेते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक ट्रावर्स है ए बी समथिंग समथिंग समथिंग, लास्ट में जाके एक्स, ठीक है, समथिंग मीन्स बीच के स्टेशन है हमारे। तो मैंने ए स्टेशन से अगर कोई फोर बेयरिंग ली है तो वो फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी होगी। यहाँ पे ध्यान से समझना आप, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन
ए भी होगी, और अगर ए स्टेशन से मैं बैक बेरिंग लेता हूँ, किसी भी स्टेशन से बैक बेरिंग कैसे ली जाएगी, यहाँ पे आप अभी मेरे यहाँ पे जो मैं रेड में कर रहा हूँ, ये मैंने बैक बेरिंग ली ए स्टेशन से, लेकिन ये बैक बेरिंग मैंने किसकी ली, जो मेरी पीछे से लाइन आई है एक्स ए, लाइन एक्स ए की बैक बेरिंग ली, समझ गए? तो डिफरेंस कि आपने एक स्टेशन से दो रीडिंग ली है, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, लेकिन फोर बेरिंग आपने लाइन ए बी की ली है और बैक बेरिंग आपने लाइन एक्स ए की ली है, ए एक्स की भी नहीं ली है, ठीक है, एक्स ए की ली है, ठीक है। अब जैसे कि बी स्टेशन से मैंने कोई रीडिंग ली, बी स्टेशन से मैंने कोई रीडिंग ली, तो सपोज कि यहाँ पे सी है मेरा, तो मैंने वो फोर बेरिंग जो ली है वो लाइन बी सी की ली है, और बैक बेरिंग जो ली है वो मैंने लाइन बी बी ए बी की ली है, समझ गए? अभी अभी तक आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे जो मेरी बैक बेरिंग है वो कौन सी है, जो ब्लैक में कर रखा है मैंने बी बी लिख रखा है, लेकिन वो ब्लैक बैक बेरिंग स्टेशन बी से जो मैंने ली है वो क्या है, ए बी। तो एक जनरलाइज हम कर सकते हैं कि फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कहाँ से लोगे, ए से, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कहाँ से लोगे, बी से, ठीक है। तो अब हम नया टेबल बनाते हैं, आपके पास पांच स्टेशन है ए बी बी ए बी सी डी और ई, तो लाइन कौन कौन से हो जाएंगी, ए बी क्लोज ट्रावर्स है, बी सी सी डी डी ई और ई ए, तो हमारे क्लोज ट्रावर्स बन गया, पांच लाइन है। अब फोर बेरिंग आप कैसे नोट आउट करोगे, ए बी की फोर बेरिंग कहाँ से लेंगे हम, ए स्टेशन से, बी सी की कहाँ से लेंगे, बी से, सी सी डी की सी से, तो फोर बेरिंग वाला टेबल तो आपका वैसे के वैसे उतर जाएगा कि ए बी की 80 डिग्री, बी सी की बी से 90 डिग्री, सी डी की सी से 120 डिग्री, डी ई की डी से 200 डिग्री और ई ए की ई से 318 डिग्री। ये मेरा हो गया फोर बियरिंग का चार्ट या फोर बियरिंग की रीडिंग्स। बैक बियरिंग कैसे, ए बी की बैक बियरिंग कहाँ से ली थी मैंने, बी से, जो मेरा पीछे वाला है। अगर किसी को ज़्यादा कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है और या फिर कंसेप्ट समझ में भी आया भी है लेकिन एग्जाम में कैसे फटाफट करना, तो बी से, अब बी सी के लिए बैक बेरिंग कहाँ से ली हो अपने, सी स्टेशन से, तो ए बी, तो मैंने स्टेशन बी से जो रीडिंग ली थी 260 डिग्री, उसको मैं कहाँ लिखूँगा, ए बी के बैक बेरिंग में, ठीक है। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, इसका कोई पर्पज़ है, इसको अभी रेड नहीं कर रहे हैं। बी सी का सी से जो मेरी बैक बेरिंग ली गई है वो 260 डिग्री, बी सी से कौन सी ली, 269 डिग्री, तो 269 लिख दिया मैंने। सी डी मतलब डी से जो बैक बेरिंग ली 301 डिग्री, 301 डिग्री। डी ई मतलब ई से जो बैक बेरिंग ली 18 डिग्री। और ई ए मतलब ए से जो मैंने बैक बेरिंग ली, ए से कौन सी बैक बेरिंग ली मैंने, 140, तो 140 डिग्री। अब जाके ये जो मेरे पास एक सेगमेंट बना हुआ है या फिर कभी ये जो मैं बॉक्स के अंदर जो बना रहा हूँ, जनरली आपको ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर जो हमारा प्रिलिमिनरी लेवल है वहाँ पे यही इस जो अभी मेरे बॉक्स में रेड बॉक्स के अंदर है ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो मेन ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक क्वेश्चन है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, तो आपको 15 मार्क्स लेने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे ट्रावर्स का। अब वो बहुत सारे लेक्चर्स का मिला के कंसेप्ट तैयार होगा। मैंने एज्यूम किया है कि आपको कंपास यूज़ करने आता है, आपको ट्रावर्स क्या होता है ये पता है, ये सब चीज़ें एज्यूम करके मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपको इससे ये जो मैंने कर रखा था यहाँ से इस बॉक्स के अंदर पहुँचने के ही क्या है बेसिकली जो मेरे 15 मार्क्स हैं वो आप किस यहाँ से यहाँ पे आ गए हो, तो फिर इसके आगे आप आराम से इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आगे का प्रोसेस आपको आपको बताते हैं जो कि सिंपलीफाई सिंपल जैसे हम करते हैं। तो लोकल अट्रैक्शन क्या है पहली बात, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, एट विच स्टेशन डू यू सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन। अब लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, अब लोकल अट्रैक्शन ये है कि जनरली जब तक हम लोग मैं ट्रू मेरिडियन वर्ड यूज़ ना करूं या ट्रू बियरिंग वर्ड यूज़ ना करूं, तब तक बियरिंग और मेरिडियन दोनों का मतलब क्या होगा सर्वेइंग में, मैग्नेटिक, ठीक है। अगर मैं सिर्फ तो मैं तो यहाँ पे हमारी बियरिंग दे रखी है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग ये सब मैग्नेटिक बियरिंग है। तो क्या होता है कि मैग्नेटिक जो नॉर्थ है
उसका अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोकल जो मेरा हमारा एटमॉस्फेयर से बेटर होगा, लोकल सराउंडिंग जो है हमारी, उसकी उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है। जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलावा भी एक मैग्नेटिक फील्ड उस कैपेसिटी का जनरेट हो जाता है कि वो हमारे मैग्नेटिक कंपास को इन्फ्लुएंस करता है। अब क्या रीज़न हो सकते हैं सराउंडिंग, मतलब कि हाई टेंशन लाइन जा रही है, हाई टेंशन लाइन जा रही है तो आपको पता ही है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वहीं से हाई मैग्नेटिक फील्ड, या फिर जैसे कि रेलवे के जो मेरे गोडाउंस वगैरह हैं, या रेलवे के जहाँ पे हमारे सारा ऐसा कोई जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करने वाले मटेरियल इकट्ठे किए हुए हैं, या ऐसी कोई मेरी कंपनी है, या मतलब ऐसा कोई वेयर हाउस है, तो उसके आसपास क्या होगा, एक इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा कि मेरे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी के साथ साथ में वो भी वहाँ पे इफेक्ट करेगा। तो जो मेरा मैग्नेटिक, जो मेरा कंपास है उसका जो नॉर्थ साउथ है, वो उसको वो इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब वो जो एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं दिखाएगा कंपास। तो ये जो कंसेप्ट है उसको क्या कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन, कि लोकल सराउंडिंग की वजह से मेरा क्या हो गया है, मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक मेरिडियन उसकी जगह पे नहीं है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक कि कहीं पर भी लोकल अट्रैक्शन है कि नहीं, तो आपका अगर अगर डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी लाइन, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जिन जिन स्टेशन से ली गई हैं उन स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, हर लाइन के लिए, अब यहाँ पे लाइन का ध्यान रखना है, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन, पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर के शुरू में, आपको यहाँ पे स्टेशन के डिफरेंस नहीं निकालना है। तो अब मैंने लाइन वाले टेबल कर लिया और फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस निकाला, तो इस तरह से कुछ डिफरेंस आए, आपको फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग या बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग के बारे में नहीं सोचना है, डिफरेंस निकालना है सिर्फ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा एक स्टेशन ऐसा है, सॉरी एक लाइन ऐसी है जिसके फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस एग्जैक्ट 180 डिग्री आ रहा है। डिग्री जनरली क्वेश्चन में डिग्री मिनट और सेकंड भी होते हैं, लेकिन आपका एग्जैक्ट डिग्री में 180 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड आना चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब ये। तो अब कौन सी लाइन का आया, आपका लाइन ए बी का। अब और कौन कौन सी रीडिंग से आपने 180 का डिफरेंस निकाला है, फोर बियरिंग ऑफ ए बी एंड बैक बियरिंग ऑफ 260 डिग्री। तो फोर बियरिंग ऑफ ए बी आपने कहाँ से ली थी, स्टेशन नंबर ए से, और बैक बियरिंग ऑफ ए बी आपने कहाँ से ली थी, स्टेशन नंबर बी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा ए और बी स्टेशन है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो सिंस डिफरेंस बिटवीन फ्लोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, स्टेशन ए एंड बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, कहाँ पे लोकल अट्रैक्शन सस्पेक्ट हुआ है, तो हैंस लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड एट स्टेशन सी डी एंड ई। तो सी डी और ई पे मेरा लोकल अट्रैक्शन सस्पेक्ट हुआ है। इस तरीके से हमने हमारा फर्स्ट पोर्शन, एट विच स्टेशन डू यू सस्पेक्ट लोकल अट्रैक्शन, ये कर दिया हमने। अभी हम अगला क्या देखेंगे कि हमें अब करना है इन फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो बाकी लाइन की हैं उन पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है, उनको एडजस्ट करना है इस तरह से कि यहाँ पे 180 का डिफरेंस आ जाए। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आगे सॉल्व किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका रिप्लाई कर दूँगा।